हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। सेंसेक्स 2500 पॉइंट नीचे गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, शेयर बाजार पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, शुरुआत हुई थी 1600 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला था, लेकिन अब 2500 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में भी 700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 2500 अंक के साथ गिरा, तकरीबन 8% की ये गिरावट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी शेयर बाजार भी आज 10% की गिरावट के साथ खुले थे और शेयर बाजार पर भयानक असर कोरोना का, महामारी आप कह सकते हैं कि शेयर बाजार में कोरोना की दिखाई दे रही है। 2500 अंक कल भी गिरा था, 2500 अंक आज भी गिरा। कल करीब 11.5 लाख करोड़ कई निवेशकों के डूब गए और आज स्थिति देखिए, काले बादल मंडरा रहे हैं शेयर बाजार में। अब तो ये काले बादल दिखने लगे हैं स्टॉक मार्केट के बाहर की, अभी कुछ मिनटों पहले की तस्वीर। तो सेंसेक्स में 2500 अंकों की गिरावट दर्ज और इस बीच जो तस्वीरें हमारे सामने आई है ना, उसमें तो बादल दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा ये इसको संकट के बादल भी छाए हुए लगातार। बिल्कुल, देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, अभी का क्या अपडेट है? विकास, बिल्कुल 2420 अंकों की गिरावट। इसके पहले जो प्री ओपनिंग सेशन था उसमें भी 1600 अंकों की गिरावट थी। वो 5 मिनट का सेशन होता है, 9:10 से लेकर 9:15 तक, उसमें ही इंडिकेशन मिल जाते हैं कि बाजार किस तरफ जाने वाला है। और अभी देखिए, इस वक्त 2492 अंकों की गिरावट है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बुल है, इसका चेहरा थोड़ा आज नीचे झुका हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि यही निवेशकों का प्रतीक है, निवेशक भी इसी तरह से आज दुखी है क्योंकि कल ही इंडिकेशन मिल गए थे। अमेरिकी शेयर बाजार हो, सिंगापुर के शेयर बाजार हो, दुनिया भर के बाजारों में इसका सीधा असर बाजार भारत पर भी पड़ा है। कोरोना वायरस ने बुरी तरह से प्रभावित किया है, ग्लोबल इफेक्ट जो है उसका देखने को मिल रहा है। भारत भी अछूता नहीं है, सौ से अधिक देश दुनिया के जो है वो अछूते नहीं है। और देखिए, इस समय 7.59% की गिरावट, यानी कि विकास अगर 10% से अधिक की गिरावट होगी तो लोअर कैप लग जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी शेयर बाजार में कल लोअर सर्किट लगा हुआ था, तो कुछ समय के लिए लोअर सर्किट लगा हुआ था, उसका इंडिकेशन साफ तौर पर। मेरे साथ विशेषज्ञ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, एक छोटा कमेंट लेंगे आपका, जिस प्रकार से ये गिरावट देख रही है, ग्लोबल इफेक्ट तो साफ तौर पर है, निवेशकों के तो बहुत पैसे डूब रहे हैं। मार्केट 3-4 दिन से बहुत शार्प करेक्शन, ये सब बहुत समय के बाद हुआ है। मुझे 2008-09 का समय याद आ रहा है, जब सबप्राइम क्राइसिस हुए थे, तभी वो समय में इस तरह का शार्प रिएक्शन आया था। तो आने वाले दिनों में भी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 40 के ऊपर चला गया, हाईएस्ट अभी तक का रिकॉर्ड है, वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी और इन्वेस्टर को बहुत कॉशियस रहना चाहिए। निवेशकों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कल लाखों करोड़ों का नुकसान निवेशकों को हुआ और कहीं ना कहीं अब निवेशकों को बड़े सावधान रहने की जरूरत है। और आपको सिर्फ एक लाइन और अपडेट करूंगा कि पिछले 10 दिनों में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि वो ऐतिहासिक गिरावट बीएससी में देखी गई है और आज उसमें से एक दिन है। जी मृत्युंजय, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त की बड़ी खबर दो तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे हैं, शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है, पाताल से भी नीचे जाने को तैयार। सेंसेक्स 2500 अंक गिर रहा है और लगातार गिरता जा रहा है। 1600 की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की, अभी 2500 अंक गिरा है। कल सेंसेक्स ने इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की थी और आज भी यही दिख रहा है। देखिए, अब ये 2700 अंक का करेक्शन तक पहुंच गया है। तो जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि जो प्री ओपनिंग थी वहीं पर 1600 अंकों की गिरावट के साथ खुला था और अब 2500 से ऊपर यानी कि 2700 अंकों की गिरावट पर पहुंच गया है। 9% की गिरावट दर्ज कराई जा चुकी है और 10% की गिरावट अगर दर्ज हुई तो लोअर कैप लग जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर आ रही है विकास, 3000 अंक गिर गया है शेयर बाजार। इस वक्त की भयानक बुरी खबर निवेशकों के लिए, 3000 अंक गिर गया है। बता दें आपको, 750 अंक गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। मृत्युंजय, अगर आप हमारे साथ बने हुए, लगातार आपके साथ अगर आपके जानकार बने हुए, 3000 अंकों की गिरावट कहां लेकर जाएगा भारतीय शेयर बाजार को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 3092 अंकों की गिरावट है, 9.51% की गिरावट। ये बहुत बड़ी गिरावट है, एक निवेशकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। पूरे दुनिया का जो बाजार है उसका सीधा असर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ता ही है। चीन के बाजार हों, अमेरिकी बाजार हों, सिंगापुर के बाजार हों, कल रात को 10:30 का जो सिंगापुर शेयर बाजार की आंकड़े आए थे वो इंडिकेशन थे कि भारत बाजार के लिए अच्छे नहीं है। और देखिए, निवेशक भी जो यहाँ पर आमतौर पर देखने आते हैं वो भी नदारद हैं। कल जो
झटका लगा था, उसके बाद से जो तमाम निवेशक हैं वो नदारद हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीधा इंडिकेशन है। और 9.68% गिरावट का अर्थ है कि आगे जाकर अगर इसी प्रकार से गिरावट जारी रही तो लोअर कैप लग जाएगा। लोअर कैप लगने का अर्थ है कि देखिए एक घंटे के लिए बंद, अपडेट दे दे आपको, बाजार एक घंटे के लिए बंद हो गया है, लोअर कैप लग गया है, बाजार बड़ी खबर के लिए बंद। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार एक घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। भयानक स्थिति शेयर बाजार में गिरावट की, 3000 की गिरावट के आगे बढ़ते हुए शेयर बाजार को फिलहाल एक घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थितियां बहुत कम होती है, आपातकाल की स्थिति। अगर मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं तो मृत्युंजय हम ये जानना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त शेयर बाजार की खबर को सुन रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे, लोअर कैप जो आप लगातार कह रहे हैं, लोअर कैप का जिक्र कर रहे हैं, लोअर कैप होता क्या है? जी बिल्कुल, मैं एक अपडेट दे दूं, निफ्टी निफ्टी में एक घंटे का ट्रेडिंग एक घंटे के लिए बंद किया गया है। निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है, इस समय निफ्टी में 9966 अंकों की गिरावट है, यानी 10.07% की गिरावट है। अब मैं दर्शकों को सरल शब्दों में समझा दूं कि आखिरकार लोअर कैप लगता कब है। जैसे कि समझिए कि पिछले दिन यानी कल जब बाजार बंद हुआ था तो उस समय अंक जो थे वो 30,000 थे, उसका जो 10% होता है, अगर 10% से कम शेयर जाते हैं तो उस समय लोअर कैप लग जाता है, तो बाजार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट या एक घंटे के लिए। अभी निफ्टी का जो आंकड़ा है वो 8,624 है, यानी कल की तुलना में 10% की गिरावट है, 10.07% जो कि 966 अंक होते हैं, यानी कि निफ्टी के कारोबार को एक घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इसी प्रकार की गिरावट है, 9% की अधिक गिरावट है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी जो आंकड़ा है वो भी कुछ इसी प्रकार से संकेत दे रहा है। इस समय BSE जो है वो 9.43%, अगर यही 10% हो जाएगा तो ये लोअर कैप लग जाएगा, यानी कि कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। ये जो नियम है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लागू होता है, और समय भी देखा जाता है कि किस समय ये है, सुबह के समय में 10% का जो आंकड़ा होता है वो मायने रखता है। तो सरल शब्दों में समझना हो तो कल जिस प्रकार से जो शेयर बाजार था वो जितने अंकों पे था, 33,000 का कुछ था, उसका 10% आप निकाल लीजिए, अगर उतने अंक नीचे की गिरावट होती है तो लोअर कैप लग जाता है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3000 से अधिक अंकों की गिरावट, 3090, और सबसे महत्वपूर्ण निफ्टी में जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दिया गया है, निफ्टी में 10% से अधिक की गिरावट हुई है। इसका सीधा संकेत है कि जो बाजार है वो भारत के पक्ष में नहीं है, भारतीय बाजारों के पक्ष में नहीं है, निवेशकों के बहुत नुकसान हो रहे होंगे। जो निवेशक आशा उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि शायद कोई उम्मीद जागे और जो पिछले कुछ दिनों में गिरावट लगातार हो रही है उसका फायदा मिले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। कल रात को ही संकेत मिल गए थे, अमेरिकी शेयर बाजार, डाउ जोन्स हो, नैसडेक हो, चाहे सिंगापुर के शेयर बाजार हो, उसमें साफ तौर पर गिरावट देखी गई थी। यहां तक कि अमेरिकी शेयर बाजार में लोअर कैप लग गया था। अमेरिकी शेयर बाजार में लोअर कैप लगने का मतलब है पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को झटका लगना, और उसका साफ साफ जो तस्वीर है वो भारतीय बाजार पर देखने को मिल रही है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।